वेल्स एज अ हंटर्स। तो आज हम क्लास 9 का अपना फर्स्ट चैप्टर दो वैलों की कथा पढ़ेंगे, जिसमें मैंने एक प्रीवियस पार्ट तो पहले ही बना दिया, जिसमें मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ने अगर वो प्रीवियस पार्ट जो मेरा वो ना देखो तो पहले वो देख लें, वरना आप लोग को ये वाला कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो पहले आप लोग वो देख लें फिर सेकेंड पार्ट पर आएँ। तो फिर कल मैंने यहाँ तक तो पढ़ा ही दिया था, ये रस्सियाँ टूट गई, मीन्स जब वो लोग को गुस्सा आ रहा था तो वो लोग जो जिससे बंधे हुए थे वो तक उन लोगों को तोड़ दिया था, वो वाली जो रस्सियाँ जिससे बंधे थे वो भी टूट गई थी। तो अब मैं उसके आगे से पढ़ाऊँगी, और इतना सारा जो था वो मैंने कल ही प्रीवियस पार्ट में पढ़ा दिया है, तो आप लोग पहले उसे देख लें। तो पहले झूरी प्रातःकाल सोकर उठा, तो झूरी था वो सोकर उठा सुबह सुबह, तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े, तो उसने देखा कि जो उसके दोनों जो बैल थे झूरी के वो दोनों चरनी पर खड़े हैं, मतलब वो देव तो पहले ही आया था, फिर वो सुबह उठा तो देखा उसके दोनों बैल फिर से वहीं पर खड़े मिले उसको, दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था, मीन्स आधा आधा उसको गराव लटक रहा था, तो मतलब वो गराव होता है कि जिसमें फोदेदार रस्सी, जिससे जो क्या होता है कि बैल और वो और भी जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उसको बांधा जाता है उसके गले में, तो वही पहना जाती, तो वो दोनों के लटक रहा था उसके गर्दनों में, तो घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे थे, मतलब हैं तो उसमें क्या था उन लोगों का पाँव थे तो घुटने तक वो कीचड़ से भरे हुए हैं, और दोनों की आँखों में विद्रोह में इसने झलक रहा है, तो दोनों की आँखों में कैसा इसने मतलब विद्रोह इसमें मतलब होता है कि क्रोध मिस्त्री प्रेम झलक रहा है, दोनों की आँखों में क्रोध मिस्त्री प्रेम झलक रहा है। तो झूरी बैलों को देखकर इसने से गदगद हो गया, अब झूरी को फिर से उसके बैल देखे तो वो तो गदगद हो गया उसको इसने से, तो फिर दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। अब उसने फिर से अपने पुराने बैलों को देखा कि वो फिर से अपने आप ही उसके घर पर आ गए और बंध गए, मतलब वहीं पर खड़े हो गए जाके, तो फिर वो बहुत खुश हो गया वहीं उन दोनों को देखकर, और उसको गले लगाने उन दोनों को गले लगाया, प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, मीन्स अब वो दोनों आ गए थे तो अब वो जो दृश्य था वो बहुत ही मनोहर था, हो चुका था उस समय, बन गया था मनोहर, मीन्स होता है मन को चुराने वाला, तो वही मतलब अट्रैक्टिव सा बन गया था वहाँ का मौसम जो था दृश्य। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, अब जब ये दृश्य देखा तो घर के और जो गांव के जो लड़के थे वो भी वहाँ आए और तालियां बजा कर उनका स्वागत करने लगे, तो फिर अब उनका स्वागत करने के लिए वो लड़के ने उनका स्वागत लड़के आए उनका स्वागत करना चालू कर दिया ताली बजा कर। गाँव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्ण ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी, अब ये क्या है कि गांव में जो पहले ऐसा हुआ नहीं था फिर भी अभूतपूर्ण नहीं थी, मतलब पहले हो नहीं चुका था फिर भी जो हुई तो फिर भी महत्वपूर्ण हो गई। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, यही है बाल जो सब उन लोगों ने जो लगाया था अपना ग्रुप जमा किया था, तो उसमें उन्होंने निश्चय किया कि अब जो पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए, मीन्स तो फिर कोई अपने घर से रोटियाँ मतलब उनको सरप्राइज टाइप दिया, तो उसमें क्या किया कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ और कोई चोकर, कोई मतलब वो क्या किया तो बैलों के मतलब की चीज़ें लेकर आए उसको खाने के लिए, रोटी और गुड़ वगैरह चोकर और भूसी जो उनकी नीड्स होती हैं वो लेकर आए। तो एक बालक ने कहा, मीन्स अब उसने सारे ग्रुप बना हुआ था, उसमें से एक बालक क्या बोला, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे, अब जो फिर से आ गए उसके घर पे तो वो तो कहेंगे ही ऐसा कि मतलब ऐसे बैल देखे नहीं थे, तो उसने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। जो दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए, मतलब सबको डाउट हो रहा है ये क्या कैसा हो गया, खुद कहते ही आ गए, तो दूसरे ने बोला कि इतनी दूर से अकेले भी आ गए मीन्स, तो फिर तीसरा बोल रहा है तो वो क्या बोल रहा है, बैल नहीं है वे उस जन्म के आदमी हैं, मतलब वो सब वो खुद ही आ गए, तो उन लोग को ऐसा लग रहा है कि इन लोग को रास्ता वगैरह सब जाने का आने का सब पता ही है, तो तीसरे ने कहा ये तो आदमी है उस जन्म का। तो इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ, झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, अब जो झूरी की जो वाइफ थी उसको तो उससे उन दोनों बैलों को देखकर जलन होने लगी, बोली कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन में वहाँ काम ना किया भाग खड़े हुए, अब वो कह रही है एक भी दिन वहाँ जहाँ गए थे उसके गया के पास तो फिर वहाँ पे काम भी नहीं किया ऐसे ही चले आए, फिर से यहाँ पे दोबारा चले आए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते, अब झूरी को तो उसकी साइड लेनी नहीं थी बिकॉज वो तो अपने बैलों की साइड में लेता, तो उसको ये सब अच्छा नहीं लगा, तो फिर उसने कहा चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते,
स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खाना खिलाना जानते हो, और तो सब पानी पिला पिला कर रखते हैं। तो अब स्त्री ने उसको वही झूरी से कहा कि अब तुम ही तो खाना खिलाते हो और तो सब पानी पिला देते हैं। फिर झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। अब ये सब उन दोनों के बीच में संवाद हो रहा है, वही झूरी और उसके झूरी के स्त्री के बीच में। तो फिर अब वो झूरी ने कहा, चारा मिलता तो भागते क्यों, यही मतलब इसका। तो फिर स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं खिलाते हैं, तो रगड़ते जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब एक तो ये स्त्री है जो झूरी की, वो पहले ही छुड़ रही है, ऊपर से अब उसने बैलों को कामचोर भी बता दिया। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, अब जो कि काम वही करती है, मतलब खाना वाना का वो देती होगी, तो अब वो कह रही है अपना, वो दिखा रही है कि अब देखूं खली और चोकर कहाँ से मिलेगा इसको, मतलब कौन देगा खिलाएगा। सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाएं चाहे मरें। मतलब कि अब वो कह रही है कि सूखे भूसे के सिवा उन दोनों को वो कुछ नहीं देने वाली है, चाहे वो मरें या फिर कुछ भी जी वगैरह। वही हुआ, मजदूर की कड़ी तागीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। मतलब अब क्या हुआ, मजदूर को कड़ी तागीद कर दी का मतलब है, तागीद मीन्स ऑर्डर, मीन्स आदेश दिया गया कि ना बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। तो मतलब वही ऑर्डर कर दिया कि उनको सूखा भूसा दिया जाए और कुछ नहीं दिया जाए। बैलों ने नाद में मुँह डाला तो फीका फीका, जो बैलों के नाद मीन्स जो उसका बर्तन होता है, इसमें लोगों का खाना होता है वही रेक्टेंगल टाइप जो होता है सीमेंट का बना, वो तो फिर उसमें उन्होंने मुँह डाला अपना खाना खाने को, तो वो फीका फीका था, ना कोई चिकनाहट, ना मतलब कोई चिकनाहट मीन्स वाली वाली थोड़ा भी नहीं था, ना कोई रस, वो भी कोई रस भी नहीं था। क्या खाएं, आशा भरी आँखों से द्वार की ओर ताकने लगे। तो फिर वो आँख उनमें उनकी आशा भर गई थी, ये सब खाना उसका फीका फीका था उन दोनों का। तो फिर वो लोग बाहर को देखने लगे। तो फिर झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे। तो फिर अब वो झूरी है वो मजदूर से कह रहा है कि थोड़ी सी खली डाल दो, तो फिर मालकिन मुझे मार ही डालेगी। ये कौन कह रहा है, ये मजदूर कह रहा है, चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। मतलब ये वो कह रहा है कि मालकिन तो उसको मार ही डालेगी, वो इतनी चीखती वगैरह हो क्या पता। तो फिर तो ना तो चुरा कर डाला, वो झूरी कह रहा है कि उसको चुरा कर डाला, किसको, वही उसके खाने को, वही अच्छा वाला, कौन सा, वही उसके वही वाला जिसमें वो पोषण वगैरह हो, कह लो मतलब वही नाद में डाला। तो फिर ना दादा पीछे से तुम भी, वो कह रहा है कि मजदूर कह रहा है कि पीछे तुम भी वही कहोगे जो उसकी वाइफ कहेगी। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब फिर जो दूसरे दिन हुआ, दिन निकला, तो फिर वो जो साला जो लेकर गया था झूरी का, वो फिर से उसी के पास आया, झूरी के पास, और अपनी वो मतलब अपनी तो नहीं थी, फिर भी वो झूरी के बैलों को ले चला, क्योंकि बेच दिया था उनको, ऐसा लग रहा था बैलों को, तो वही बेच दिया था इसलिए। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता, तो इस बार क्या करा कि गाड़ी में जोत कर वो लेकर गया। पिछली बार तो उसको ले जाने में उसके पसीने पसीने निकल आए थे, इसलिए इस बार वो गाड़ी से लेकर गया, गाड़ी में जोता उसको, तब गाड़ी से ही उसमें बैल जो बांधे जाते उससे लेकर गया। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, तो क्या हुआ, दो चार बार जो मोती था उसने सड़क की खाई में गिराना चाहा, किसको, वही उसको, गाड़ी को। पर हीरा ने संभाल लिया, हीरा ने उसको संभाल लिया मोती को, मतलब कहा गया ऐसा नहीं, वह ज़्यादा सहनशील था। तो फिर संध्या समय मीन्स रात का समय घर पहुंचकर उसने दोनों की मोटी रस्सियों से उसको दोनों की मोटी रस्सियों से बांधा। उस शाम के समय क्या हुआ कि वो गया मीन्स गया, झूरी का साला जो गया था वो उन दोनों को लेकर गया और मोटी रस्सी से बांधा, और कल की शरारत का मजा चखा, मतलब जो कल वो चले गए थे दूसरे वही झूरी के पास, तो उसका शरारत का मजा चखाया। फिर वहीं सूखा भूसा डाल दिया, उसने भी भूसा सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी और सब कुछ दी। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी ना हुआ, मतलब दोनों बैलों का ऐसा इंसल्ट कभी ना हुई। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। अब जो झूरी था वो इन्हें मारता वगैरह नहीं था, तो उसको छूता भी नहीं था, मतलब फूल की छड़ी से तक भी नहीं छूता था। और यह है ये अपना मारे वगैरह तक तो वो, अब इसने बताया है झूरी की थोड़ी वो क्या करता था अपने बैलों का, तो उसकी टिटकार पर दोनों उठने लगते थे। मतलब टिटकार मीन्स होता है जिससे बैलों को चलाने के लिए जो आवाज़ निकाल जाती, वो मीन्स जो उसका जो चलाने वाला होता है बैलों को, मतलब जो जिसका मालिक होता है बैलों का, जो उसकी वो करता है
केयर वगैरह करता है जिसको होता है, जो उसका मालिक होता है बैलों का, वो जब अपनी आवाज़ निकालता है तो उसकी एक ही आवाज़ में वो लोग उठ के खड़े हो जाए। तो टिटकार मीन्स क्या होता है, टिक टिक वाली जो आवाज़ होती है वो, तो इसको हम क्या कहते हैं, साउंड ऑफ द क्लॉक भी कहते हैं इंग्लिश में। इसकी आवाज़ जो मतलब उसने मालिक ने कह दिया खड़े हो जा अपनी आवाज़ में, तो वो खड़ा हो गया, और जब वो कुछ नहीं करता तो बैठे ही रहेंगे। यहाँ मार पड़ी मतलब यहाँ पर मार पड़ी, तो वही उसका गया था, वो उसको उन लोगों को मार रहा था। आह सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। अब जो आहत और सम्मान मतलब हुआ उन लोगों का इतना बुरा सा मतलब इंसल्ट हुई उनकी, तो फिर अब वो तो हुआ हुआ, अब उनको भूसा भी इतना सूखा रूखा मिल गया भाई। तो नाद की तरफ आंखें तक ना उठाई, नाद उनके बर्तन की जो उसमें रखा था भूसा सूखा हुआ, उसकी तरफ उन्होंने आंखें तक ना उठाई अपनी। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली। अब दूसरे दिन भी गया ने अपने बैलों को वही जोता हल में, पर उन्होंने क्या करा, जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी, उन्होंने अपना पैर को उठाया ही नहीं जमीन से वही ऊपर। वह मारते मारते थक गया, वो गया मारने लगा दोनों बैलों को, पर दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, जब अब उसने क्या करा, हीरा की जो नाक थी उसको डंडे मारने लगा, तो उस पर डंडे मारने लगा, तो मोती को गुस्सा काबू तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। अब जब हीरा को मार रहा था वही गया, तो अब वो मोती को बहुत गुस्सा आने लगा। हम लेकर भागा, हल लेकर भागा, तो वो क्या करा, हल लेकर ही भाग गया। हल रस्सी जुआ जो सब टूट टाट कर बराबर हो गया। अब वो इतने जोर उसको गुस्सा आया कि उसने सब कुछ तोड़ता डाला और वो भाग गया वही लेकर हल को। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते, अब क्योंकि गले में रस्सियाँ थी तो वो पकड़ाई में आ ही गए। हीरा ने मूक भाषा में कहा भागना व्यर्थ है, मीन्स हीरा ने मोती से कहा कि भागना व्यर्थ है, व्यर्थ मीन्स यूजलेस या फिर अनुपयोगी कह सकते हैं। तो फिर मोती ने उत्तर दिया तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, मतलब कि मोती ने हीरा से कहा था, ये लोग मूक भाषा कर रहे थे, मीन्स मौन होकर बात जो करते हैं ये लोग वो कर रहे थे। अब की बड़ी मार पड़ेगी, तो अब वो लोग अपने आपस में बातें कर रहे हैं, पढ़ने दो बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे ये लोग, ये क्वेश्चन यहाँ पे है, मतलब वो आपस में बात कर रहे हैं। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, अब वो क्या है, गया है वो दो खुद तो आ ही रहा है, ऊपर से दो आदमियों के साथ भी दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं, अब वो जो दो आदमी हैं जो उनके साथ है, दोनों के हाथ में लाठियां हैं। मोती बोला कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, नहीं हमारी जाति का धर्म नहीं है, यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है, मीन्स कृपा का काम है, मसलत है, ठीक रहेगा इस वक्त अभी टाल दिया उन लोगों को गुस्सा देकर बोलो भी लौट के। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। अब अगले दिन क्या हुआ, फिर से वही दोनों के सामने सूखा भूसा लेकर आए वही लोग, गया दोनों चुपचाप खड़े रहे। अब फिर से वो लोग चुपचाप खड़े रहे, घर के लोग भोजन करने लगे। अब जो घर के लोग थे वो तो खाना खाने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियाँ लिए निकली। अब वो लोग खाने लगे, घर के जो लोग थे वो लोग तो खाना खाने लगे। तो फिर जो एक छोटी सी लड़की थी वो दो रोटियाँ लेकर आई फिर और दोनों के मुंह में देकर चली गई। तो अब वो दो रोटी लेकर आए तो एक एक के दोनों में एक एक दे दी दोनों के मुंह में। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत हो गई, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अब वैसे उनकी भूख तो नहीं मिटेगी एक रोटी से, लेकिन अब उनके जो दिल को है वो जैसे मानो कि उनको खाना मिल चुका है ऐसा मानो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, लड़की भैरों की थी, मीन्स वो बैल कह रहे हैं कि यहाँ पर भी किसी सज्जन का वास है। लड़की थी वो किसकी थी, भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, मीन्स उसकी जो माँ थी वो मर चुकी थी, सौतेली में उसे मारती रहती थी, वही जो जो खाना नहीं खिलाती थी बैलों को सूखा होगा वही उसकी माँ थी, तो फिर वही सौतेली था माँ थी उसकी, तो वो मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की अतिश्रुति हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को
वहीं बालिका उन्हें दो रोटी खिला जाती। तो क्या होता था, तो दोनों क्या कर दिन भर जोते जाते थे और डंडे वगैरह खाते जाते थे। तो फिर शाम को थाने आने जिससे बांधा जाता है, वो डंडा टाइप होता है, इसमें वो दोनों चीज़ें बनती हैं, ये है यहाँ पे, इसमें रस्सी उन की बांधी जाती है बैलों की, तो फिर उससे बांध दिए जाते थे। और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियाँ, और जो वही लड़की थी वो उन दोनों को दो रोटी खिला जाती थी रात को। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। विद्रोह मीन्स अन्याय के खिलाफ गुस्सा, दोनों के लिए अन्याय की तरफ गुस्सा है, कंफ्लिक्ट इसका मीन्स इंग्लिश में। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, वो फिर से अपनी मौन भाषा में उसने कहा, मोती ने हीरा से कहा कि अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो, क्वेश्चन पुटअप कर रहा है वो, एक हाथ को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। कौन रिप्लाई दे रहा है, वही मोती, ठीक है हीरा। हाँ देखो इसमें क्या है, वो पूछ रहा है हीरा से, ठीक है, मोती पूछ रहा है हीरा से, तो उसने रिप्लाई दिया है, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियों खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। तो अब वो कह रहा है कि जो प्यारी सी जो लड़की है जो हमें रोटियाँ खिला कर जाती है, तो वो इसी की लड़की है जो घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी, वो लोग अब आपस में बातें कर रहे हैं, तो मालकिन को ना फेंक दूँ, वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, उसने कहा, यह भूल जाते हो तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तोड़कर भाग भले। हाँ यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे, इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है, मतलब वो कह रहा है कि थोड़ा सा चबा लो फिर वो टूटी जाएगी। रात को जब बालिका रोटियाँ खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियाँ चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुँह में ना आती। अब वो लोग रस्सी चबा तो रहे, वो रस्सी थी बहुत मोटी, तो उनको मुँह में नहीं आ पा रही थी, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। अब वो लोग बार बार जोर लगा रहे, भाई बैल सहसा घर का द्वार खुला और वहीं लड़की निकली, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूछे खड़ी हो गई, उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। अब वो जो लड़की है वो दोनों बैलों को खोलने आई है, तो वो कह रही खोल देती हूँ, आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाक डाल दी जाए। उसने गराब खोल दिया, उसने जो गराब था वो खोल दिया, उसके गर्दन में जो रस्सी थी उसको खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। अब वो दोनों क्या कर रहे, चुपचाप खड़े रहे शांति से। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं, ठीक है, मोती ने हीरा से पूछा कि अब चलते क्यों नहीं। हीरा ने कहा, चलें तो लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। तो हीरा क्या कह रहा, कल इस पर ही आफत टूट पड़ेगी एकदम से, तो फिर सब इसी पर संदेह में शक करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। अब वो बच्ची थी वो चिल्लाने लगी कि दोनों बैल हैं वो भागे जा रहे हैं, ओ दादा दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो, ठीक है। उसने अपने दादा को बुलाया और कहा, दोनों बैल भाग रहे हैं, जल्दी से आओ। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। अब जो गया थे वो जल्दी जल्दी आए अपने अंदर से, भीतर से मीन्स अंदर से आए हड़बड़ाकर, तो फिर वो अपने बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, वो दोनों बैल थे वो भागे, और गया ने पीछा किया मीन्स वो दोनों का पीछा करा उन बैलों का, और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधा दौड़ने चला गया गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा, जिस परिचित मार्ग से आए थे, मतलब वो लोग जिस मार्ग पे आए थे वो भी उनको पता नहीं रहा, भूल गए, उसका यहाँ पता ना था, वही पता नहीं था मार्ग का। नए नए गांव मिलने लगे, अब वो लोग को मार्ग भूल गए, तो अब वो दूसरी जगह पहुँच गए और दूसरे गाँव नए जगह दिखने में गाँव दिखने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। अब वो लोग कन्फ्यूजन हो गए, उनका रास्ता भटक गए थे, दूसरे नई जगह पर आ गए थे, तो अब वो लोग खेत के किनारे खड़े होकर सोच रहे थे अब क्या करना चाहिए।
हीरा ने कहा, मालूम होता है रहा भूल गए। अब वो लोग तो रहा भटक ही गए थे, तो अब हीरा कह रहे हैं कि उन्हें उसे ऐसा लगता है कि वो लोग रहा भूल गए, मीन्स वही भूल गए, प्लेस कहाँ पे, रास्ता भूल गए, रहा मीन्स रास्ता। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं वहीं उसे मार गिराना था। अब वो कह रहा है कि वहीं उसे मार गिराना, भागे की वजह से उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दें। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें, ये क्वेश्चन पुटअप हो रहा है भाई। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। अब वो एक किनारे तो खड़ी थी खेत के, तो अब उन लोगों को भूख भी लगी थी, और खेत में क्या थी, मटर खड़ी थी, तो यही है, खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे रह। अब वो बैल थे, वो बैल हैं तो चरेंगे ही, ऐसी नॉर्मली बात है। तो फिर मटर को वो लोग चरने लगे, वही बैल चरने लगे, रह रहे आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है, मतलब उनको ये भी लग रहा था कोई आ तो नहीं रहा है भाई उनका पीछे करना। तो फिर जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, जब उन दोनों का, उन बैलों का पेट भर गया था, तो उन लोगों को बहुत आज़ादी, फ्रीडम सब महसूस हो रहा था, मीन्स फील हो रहा था, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। तो फिर मस्त हो गए, बिल्कुल मस्त होकर उछलने कूदने लगे, पेट वगैरह भर गया था, दोनों को डकार भी आ गई थी। फिर सींग मिलाए, उनका पेट बहुत भर गया था तो इसलिए, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ढेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया। अब मोती ने क्या किया, हीरे को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। अब वो लोग उछल कूद रहे थे इसलिए ऐसा हुआ, तो फिर वो किस में गिर गया, खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा यहाँ पर वो लोग उछल कूद रहे थे, तो उसने क्या देखा, खेल में झगड़ा हुआ जाता है, मीन्स झगड़ा, उसमें लड़ाई हो जाती है खेल में। सो गाइस, यहीं पे हमारा जो पार्ट सेकंड है इसी चैप्टर का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट थर्ड को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टिल देन कीप योर हंटिंग ऑन, बाय बाय।